नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पार्क टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ सृष्टि बर्मन। सिद्धारमैया अब कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री होंगे और वही डीके शिवकुमार उप मुख्यमंत्री होंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कर्नाटक में जीत पार्टी की नहीं बल्कि जनता की हुई है और कर्नाटक का सीएम कौन बनेगा इसका फैसला अध्यक्ष ने खुद किया। हालांकि डीके शिवकुमार भी सीएम पद के दावेदार थे। केंद्र मंत्री किरण रिजिजू का गुरुवार को मंत्रालय बदल दिया गया। अब उन्हें कानून मंत्रालय लेकर अब पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय सौंपा गया है। उनकी जगह अब नया कानून मंत्री बनाया गया अर्जुन राम मेघवाल को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में स्थित प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय कला और भारतीय वस्तुओं की तस्करी के मुद्दे को भी उठाया। उन्होंने लोगों से ये आग्रह किया कि वे भारतीय ऐतिहासिक कलाओं का संरक्षण करें। रूस और यूक्रेन के बीच जंग अभी जारी है। गुरुवार को ओडेसा में एक औद्योगिक सुविधा में हमला किया जिसके बाद एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि हवाई हमले के दौरान कीव के पूर्वी जिलों में दो जगह आग लग गई मलबा गिरने से। पाकिस्तान की पंजाब पुलिस अब इमरान खान को कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। अभी पुलिस ने उनके घर के बाहर डेरा डाला हुआ है और उन पे यह आरोप लगाया है कि उन्होंने अपने घर में आतंकियों को छुपाया है।